नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग TGT और PGT चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं, तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। तो सबसे पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर एक, भारत का सर्वाधिक ऊंचा शैल उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कहाँ पर है, कहाँ का है? पहला ऑप्शन है महाबलीपुरम, दूसरा ऑप्शन है एलोरा और तीसरा ऑप्शन है खंडगिरी, चौथा ऑप्शन है कांगड़ा। सही जवाब जान लेते हैं। सही जवाब यहाँ होगा ऑप्शन बी, एलोरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दो, ल्यूक होवार्ड की पुस्तक लंदन की जलवायु से किस कलाकार को ऋतु चित्रण में सहायता मिली थी? पहला ऑप्शन है जॉर्जियोन, दूसरा ऑप्शन है टर्नर, तीसरा ऑप्शन है जॉन कांस्टेबल, चौथा ऑप्शन है दिलिक्रा। सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन सी, जॉन कांस्टेबल। तो ल्यूक होगार्ड की पुस्तक लंदन की जलवायु से जॉन कांस्टेबल को ऋतु चित्रण में सहायता मिली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीन, प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 8। तो कला आचार्यों ने प्रमाण की दृष्टि से जो रूप बताए हैं वो 5 प्रकार के रूप बताए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, नौवां रस कौन सा है? वीर रस, शांत रस, हास्य रस, रौद्र रस। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शांत रस नौवां रस है। अगला प्रश्न है 2014 के क्रिस्टीज नीलामी में रजा की पेंटिंग चर्च एट म्यूलान कितने रुपए में बिकी थी? 2.3 करोड़, 1.01 करोड़, 4.50 करोड़ या 2.05 करोड़। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2.03 करोड़। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, कैंडिंस्की का जन्म 1866 ईस्वी में कहाँ हुआ था? रूस में, इंग्लैंड में, इटली में, फ्रांस में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूस में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध फिल्मकार ऋत्विक घटक ने किस कलाकार के ऊपर वर्ष 1975 ईस्वी में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी? पहला ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, दूसरा ऑप्शन है सतीश गुजराल, तीसरा ऑप्शन है रामकिंकर बैज और चौथा ऑप्शन है तैयब मेहता। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामकिंकर बैज। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, सन 1958 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाले प्रथम फिल्म कौन सी थी? पहला ऑप्शन है मदर इंडिया, दूसरा ऑप्शन है सलाम बॉम्बे, तीसरा ऑप्शन है लगान, चौथा ऑप्शन है रंग दे बसंती। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मदर इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? 2, 1, 1000 से ऊपर या लगभग 1000? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, लगभग 1000। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ उक्त कथन किसका है? पहला ऑप्शन है माइकल एंजेलो, दूसरा ऑप्शन है पिकासो, तीसरा ऑप्शन टर्नर और चौथा ऑप्शन है वान गॉग। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिकासो। तो मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ ये कथन है पिकासो का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, बेलारी शैल चित्रों की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है एफ फासिट, दूसरा ऑप्शन है मनोरंजन घोष, तीसरा ऑप्शन है स्टुअर्ट फिगार्ट और चौथा ऑप्शन है BS वाकड़कर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, एफ फासिट। तो बेलारी शैल चित्रों की खोज एफ फासिट ने किया था। प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं, मयूर का अंकन कहाँ मिलता है? होशंगाबाद, पंचमढ़ी, मिर्जापुर या सोरो घाट? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, होशंगाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13,
महावीर चरित के रचनाकार कौन हैं? आर्यभट्ट, वशमित्र, लोहभूत या बाशुल्ला? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, बहुभूत। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। गुरुपेट जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी, इसका संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है चित्रकला, दूसरा ऑप्शन शिल्पकला, तीसरा ऑप्शन है छापा कला और चौथा ऑप्शन इंस्टॉलेशन। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, छापा कला। प्रश्न नंबर 15 पे देखते हैं, क्रोचे कहाँ के दार्शनिक थे? इटली, यूनान, जर्मनी, चीन? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, इटली। तो क्रोचे कहाँ के दार्शनिक थे? इटली के। प्रश्न नंबर 16 पे देखते हैं, पारितोष सेन के गुरु कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या देवी प्रसाद राय चौधरी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देवी प्रसाद राय चौधरी। प्रश्न नंबर 17 पे देखते हैं, 17 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कलकत्ता ग्रुप के सदस्य कौन है? पहला ऑप्शन है गोपाल घोष, दूसरा ऑप्शन नीरज मजूमदार, तीसरा ऑप्शन है हेमंत मिश्रा, चौथा ऑप्शन उपरोक्त तीनों। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। जहांगीर साबावाला किस शैली के कलाकार थे? प्रभाववाद, घनवाद, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, घनवाद। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, हेब्बर प्रसिद्ध है रेखांकन के लिए, रंगांकन के लिए, अलंकरण के लिए या पच्चीकारी के लिए? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रेखांकन के लिए हेब्बर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। जे जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1850 में, 1854 में, 1857 में या 1875 ईस्वी में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1880, 1884, 1888 या 1890? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1888 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22। रंग क्या होता है? कलर स्टिक, कलर केक, वाटर वाटल या कलर वाटल या प्रकाश का गुड़? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का गुड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े हैं? बॉम्बे ग्रुप से, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से, दिल्ली शिल्पी चक्र से या पेंटर्स एसोसिएशन से? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दिल्ली शिल्पी चक्र। प्रश्न नंबर 24 पे देखते हैं, 24 में पूछा गया, चोल मंडल क्या है? कलाकारों का एक गांव, कलाकारों का एक समूह, चोल प्रदेश की कमिश्नरी या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कलाकारों का एक गांव। चोल मंडल कलाकारों का एक गांव है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रसिद्ध भूचित्रकार सतीश चंद्र की मृत्यु 19 अप्रैल 1948 को कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में, वाराणसी में, लखनऊ में या दिल्ली में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26। कंपनी शैली क्या है? पहला ऑप्शन है यूरोपीय शैली, दूसरा ऑप्शन है विशुद्ध भारतीय शैली, तीसरा ऑप्शन है विकृत मुगल शैली, चौथा ऑप्शन है मुगल लोक व यूरोपीय मिश्रित शैली। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुगल लोक व यूरोपीय मिश्रित शैली कंपनी शैली होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन एक या भव्य मकबरा है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था या आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, इस पर उन कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण कराया था। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये गलत है, उस पर उन कारीगरों का नाम उत्कीर्ण नहीं है जिन्होंने इसको बनाया था। तो ये कथन कौन सा सही नहीं है ढूंढना था, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28। नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित किया गया है? पहला ऑप्शन है कोआविजा, दूसरा ऑप्शन है कोगुल, तीसरा ऑप्शन है लिवांजो और चौथा ऑप्शन है कोलानाज। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, कोगुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? नासिक के समीप,
मुंबई के समीप, हैदराबाद के समीप, गोवा के समीप। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मुंबई के समीप। तो प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा जो है वो मुंबई के समीप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। दजला फरात के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है? पहला ऑप्शन है मिस्र की, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक की, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है मेसोपोटामिया। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया की। तो दजला फरात नदियों की दोआब में पनपी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। यहाँ पे पूछा गया बीरभूम किस लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है टाटा मोटर फैक्ट्री के लिए, दूसरा ऑप्शन टेराकोटा मंदिर के लिए, तीसरा ऑप्शन है स्टील फैक्ट्री के लिए और चौथा ऑप्शन है जूट की फैक्ट्री के लिए। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, टेराकोटा मंदिर के लिए। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार तथा मूर्तकार भी था। पहला ऑप्शन है राफेल सेंजियो, दूसरा ऑप्शन है एंड्रिया देल सांतो, तीसरा ऑप्शन है कैराबिजियो और चौथा ऑप्शन है माइकल एंजेलो। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, माइकल एंजेलो, जो चित्रकार थे, वास्तुकार थे और मूर्तकार भी थे। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। यन के मिश्रा जाने जाते हैं लघु चित्रकला के लिए, भित्ति चित्रकला के लिए, वास्तु चित्रण के लिए, कलमकारी के लिए। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, वास्तु चित्रण के लिए। यन के मिश्रा किसके लिए जाने जाते हैं? वास्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। 1976 में दिल्ली में गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की? पहला ऑप्शन है डीपी राय चौधरी, दूसरा ऑप्शन रामकिंकर बैद, तीसरा ऑप्शन है सोमनाथ होर और चौथा ऑप्शन है शंकु चौधरी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शंकु चौधरी। तो 1976 ईस्वी में दिल्ली में गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत करने वाले हैं शंकु चौधरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है चित्रों के लिए, दूसरा ऑप्शन दृश्य के लिए, तीसरा ऑप्शन है वस्त्र निर्माण के लिए और चौथा ऑप्शन है मूर्ति के लिए। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मूर्ति के लिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 36। द्वितीयक श्रेणी के रंग कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, श्वेत पीला काला, हरा बैंगनी नारंगी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, हरा बैंगनी नारंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलहर्म ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया? 3, 7, 5, 8। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8 रंग। तो ओस्टवाल्ड ने 8 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। अभी हाल ही में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सचिव नियुक्त हुए थे, ये थोड़ा सा प्रश्न देख लीजिएगा, लेकिन इनके विकल्पों से देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। पहला ऑप्शन है बड़ेदा, दूसरा ऑप्शन है राजन श्रीपद फुलारी, तीसरा ऑप्शन है प्रांजल सेठ और नवदीप सिंह। तो इन विकल्पों में जो सही विकल्प है ऑप्शन बी है, राजन श्रीपद फुलारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। अनावृत्तियों के शरीर पर रंग छिड़ककर कैनवास पर उनकी छाप द्वारा चित्रांकन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है न्यूड पेंटिंग, दूसरा ऑप्शन है न्यूड इम्प्रेशंस, तीसरा ऑप्शन है लीविंग ब्रश टेक्निक और चौथा ऑप्शन है न्यूड लाइव पेंटिंग। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, न्यूड लाइव पेंटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। ताश के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्ध रचना है? सेजान की, वान गॉग की, मातिस की या पिकासो की? ताश के प्रसिद्ध खिलाड़ी, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेजान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, प्रश्न नंबर 42 में पूछा गया रविंद्रालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। तो रविंद्रालय भवन लखनऊ में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 में पूछा गया भारत में बूटकट तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने या चंचल बनर्जी ने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी,
चंचल बनर्जी। चंचल बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। निफ्ट की एक शाखा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई है? लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद, कानपुर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रायबरेली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मिलती है? पहला ऑप्शन है कोमलता, दूसरा ऑप्शन भावुकता, तीसरा ऑप्शन है पुरुषत्व और चौथा ऑप्शन है बेटूलपन। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पुरुषत्व। तो माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में पुरुषत्व की विशेषताएं मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? 15, 12, 10 या 4। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 15। तो पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? 15 डिग्री दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 47 पे आते हैं। 47 में पूछा गया किस शैली के प्रसाद आयताकार होते हैं? द्रविड़, नागर, मुगल या मौर्य। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं वो आयताकार होते हैं। तीन प्रकार की शैलियाँ होती हैं, द्रविड़, बेसर और नागर। तो द्रविड़ शैली के जो प्रसाद होते हैं आयताकार बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 48 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 48 में पूछा गया है नारंगी तथा बैंगनी रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? रसेट, सिल्टन, आलू, कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रसेट। तो नारंगी तथा बैंगनी रंग को मिलाने से रसेट बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अजंता की गुफा, दूसरा ऑप्शन है बोध गया का बुद्ध मंदिर, तीसरा ऑप्शन है सारनाथ का बुद्ध मंदिर, चौथा ऑप्शन है कंबोडिया का मंदिर। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, बोध गया का बुद्ध मंदिर। महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 में पूछा गया मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ शीर्ष पर किसकी आकृति बनी हुई है? पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा ऑप्शन है सिंह, तीसरा ऑप्शन है कमल पुष्प और चौथा ऑप्शन है भगवान बुद्ध। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंह की। तो मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में ऐसे प्रश्न के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।